चार दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भदोही जीता, मिर्जापुर हारी, दोनों टीमों को किया गया पुरस्कृत। ज्ञानपुर स्थित विभूति नारायण इंटर कॉलेज में चार दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन सम्पन्न हुआ। खबर भदोही संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि भदोही फुटबॉल चैंपियन ट्रॉफी में जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, भदोही की कुल 13 टीमों ने प्रतिभाग किया था। फाइनल मैच ज्ञानपुर सीनियर और मिर्जापुर सीनियर के बीच शुरू हुआ। दोनों टीमों ने 2-2 गोल मारकर जहां बराबर पर रही, वहीं प्लांटी गोल में भदोही की टीम ने 4 गोल मारकर विजयी रही। मिर्जापुर की टीम एक ही गोल मारने में सफल हुई। ज्ञानपुर की टीम को प्रथम स्थान आने पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ज्ञानपुर टीम को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उप विजेता टीम को जिला पंचायत सदस्य अजनी शुक्ला द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित जीआईसी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में फुटबॉल मैच का जो आयोजन हुआ था, भव्य मैच जिसे कहा जाए तो भव्य मैच जिसे बोला जाता है, उस मैच का आज यहाँ आयोजन हुआ था। हमारे भाई कुशल संचालन कर रहे थे त्रिपाठी जी और गणेश अहमद जी, आप सभी का मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। इस संचालन द्वारा ही ऐसा कर्तव्य दिखाया गया कि खिलाड़ियों में जोश भरा रह गया, नहीं तो जोश कम हो जाता है। तो ये तो आप लोगों की, दोनों लोगों की देन है कि इनके अंदर जोश की कमी नहीं होने दी। इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके, ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके भाई राकेश दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो जन जन में जाने जाते हैं ऐसे मेरे भाई सुनील मिश्रा जी और विजय सिंह जी नाम के मोहताज नहीं है, जिन्हें तो आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने सभी खेल आयोजकों और खिलाड़ियों को बधाई दी। ज्ञानपुर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष आशुतोष त्रिवारी, संयोजक मनीष त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी, आशीष त्रिपाठी, संरक्षक रंजीत तिवारी, रतुल तिवारी, सौम्या मौर्य व इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि विजय बिंद, जमील अहमद रिफरी, प्रवीण सिंह, मुकुल त्रिपाठी, दिनेश पाल, अतुल तिवारी, भाजपा नेता राकेश दुबे, सुनील पांडे, आशीष रावत आदि उपस्थित रहे। पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।